ब्रेकिंग न्यूज, रमनलाल गोस्वामी, ब्यूरो चीफ जिला भरतपुर। एक, दसवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षाएं आज शुरू। डी उपखंड क्षेत्र में कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर हो रही हैं बोर्ड परीक्षाएं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल ने उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अऊ जनुथर आदि सहित कई परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। छात्रों की बैठक व्यवस्था के साथ वीक्षक परीक्षकों से परीक्षा को लेकर लिया फीडबैक। पहले दिन अंग्रेजी विषय की हुई परीक्षा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग व प्रशासन गंभीर। उड़नदस्ते व स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार परीक्षा केंद्रों का किया जा रहा है दौरा। अंग्रेजी के सरल पेपर को लेकर छात्र छात्राओं में खासी खुशी देखी गयी। पूरे जिले में तो 219 सेंटर माध्यमिक शिक्षा के बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं तो 5 मार्च से प्रारंभ हुई थी और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से प्रारंभ हुई है। डी ब्लॉक में जिसके बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं उसमें कुल 18 केंद्र हैं और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर 5 फ्लाइंग काम कर रही हैं। 2 फ्लाइंगें बोर्ड के द्वारा नियुक्त की गई हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय बोर्ड के द्वारा भी या अन्य एजेंसी कलेक्टर महोदय के द्वारा भी निरीक्षण कराने के लिए निर्देश जारी किए गए। परीक्षाएं शांतिपूर्वक जिले में चल रही हैं। आज मैंने भी डी ब्लॉक के अंदर लगभग 6वां स्कूल है ये जनुथर के दोनों केंद्रों को देखा, टोड़ा का केंद्र देखा, बेडम का केंद्र देखा और यहाँ भी देखा है। सभी केंद्रों पर आनुपातिक बैठक व्यवस्था की गई है। हर कमरे में हर स्कूल का विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारी वाले अलग हों प्राइवेट वाले अलग हों, हर कक्ष में आनुपातिक व्यवस्था है और हमारे सभी संस्था प्रधान केंद्र शिक्षा निरीक्षक पूरी सतर्कता के साथ में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा ही परिणाम परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न है। कहीं कोई अब यह घटना अभी आज अभी यहाँ तक मैं बैठा हुआ हूँ, ये सारा जो सूचना है वो ऑफिस पहुँचने के बाद में फ्लाइंगों से लेते हैं। अभी कोई ऐसा फीडबैक मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं।